नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में अपने सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिक्स्ड एसेट की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट की जो एंट्री है हम दो तरीके से करते हैं। पहली एंट्री भी ऐसी जो हमने एसेट परचेज करी है उसके ऊपर जितना भी GST का टैक्स लगा हुआ है उसका ITC हमें क्लेम करना है। और दूसरी टाइप की एंट्री होती है विदाउट ITC क्लेम की, यानी कि GST टैक्स तो लगा हुआ है लेकिन हमें उस GST टैक्स को क्लेम नहीं करना है। तो हम टेली सॉफ्टवेयर में आज की इस वीडियो में दोनों टाइप की परचेज एंट्री करना सीखेंगे। तो वीडियो टोटल प्रैक्टिकल रहेगा, हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे लैपटॉप का। अब आपके पास में एज ए फिक्स्ड एसेट के रूप के अंदर अदर मतलब प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, इसकी जगह आपके पास में प्रिंटर हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है, यानी कि जो हमने एज ए उसको कैपिटल गुड्स के रूप में उसका यूज करेंगे। रीसेल पर्पज से हमने इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, कैपिटल गुड्स यानी कि हमने उसको बिजनेस पर्पज से उस इक्विपमेंट को यूज कर लिया, तो उसकी एंट्री हम फिक्स्ड एसेट के अंदर करते हैं। तो टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एंट्री होगी, कितने लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और एंट्री किस टाइप की होगी, सारी बातें प्रैक्टिकल रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप कंप्लीट देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन किए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो जैसा कि हमने टेली सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस एसेट की एंट्री हम करते हैं परचेज वाउचर में करते हैं। और परचेज वाउचर में हम इसकी एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाउचर के ऊपर GST का टैक्स लगा हुआ है और हमें कंपनी के लिए इसका ITC क्लेम करना है। तो सबसे पहले हम वाउचर पे चलते हैं, लेकिन वाउचर पे चलने से पहले हम इसके कुछ लेजर से जो क्रिएट कर लेते हैं। तो अब लेजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लैपटॉप है। तो हमें एक लैपटॉप का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लैपटॉप का एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पर, लेजर पर, और यहाँ पर हमने लैपटॉप के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया। अब इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा फिक्स्ड एसेट के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद में GST एप्लीकेबल, इसके ऊपर हम एप्लीकेबल रखेंगे, और उसके बाद में इसकी जो प्रोडक्ट की डिटेल है HSN कोड वगैरह वो हम यहाँ पर करेंगे, एज पर कंपनी नहीं करेंगे, इसको स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी आपके प्रोडक्ट होगा उसका HSN कोड लिखा होगा इनवॉइस के ऊपर, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसके बाद में GST का टैक्स रेट भी हम यहाँ पर इसके ऊपर डिटेल हेयर में लिखेंगे, और टैक्सेबल प्रोडक्ट है, GST का रेट इसके ऊपर 18% है, ठीक है ना। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज इसके ऊपर नहीं, नो करेंगे। और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाईज के अंदर इसके अंदर रखेंगे हम कैपिटल गुड्स रखेंगे, ठीक है। एंटरप्राइज करते हैं हम इस लेजर को करते हैं सेल, और उसके बाद में हमें उस पार्टी का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिनसे हमने ये प्रोडक्ट है जो परचेज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, और अब ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है ये हमारी लिए अब सप्लायर है, और सप्लायर का लेजर हम करते हैं सैलरी क्रेडिट में क्रिएट। स्टेट एड्रेस वगैरह आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा, इसका जो GST नंबर है वो जो इनवॉइस के ऊपर हमारा मेंशन है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में इसकी हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें CGST और SGST टैक्स के भी लेजर क्रिएट करने होते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, हम उसको एक बार मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। CGST टैक्स अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहते हैं, और टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर GST, और GST के अंदर हम इसको CGST वाला CGST के टैक्स के अंदर हेड में रखेंगे, और जो हमारा स्टेट का टैक्स है उसको हम SGST टैक्स के हेड के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी परचेज की एंट्री करते हैं, वाउचर पे हम चलेंगे, उसके बाद में डेट, जो इस इनवॉइस के ऊपर जो डेट लिखी होगी, डेट है 28 अप्रैल। अब आपके इनवॉइस जो भी आपके पास आएगा उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपके पास में अलग अलग जगह पे हो सकती है, जैसा कि इस इनवॉइस के अंदर ये जो डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है 28 अप्रैल 2024 की, ठीक है। हम यहाँ पर F2 से 28/4 की डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है 146, और यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का लेजर आ जाएगा,
और अब हमें नेम ऑफ आइटम आप देख सकते हो यहाँ है, लेकिन अब हमें लेजर यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि अभी हमने जो लेजर क्रिएट किया था लैपटॉप का वो यहाँ पर नहीं आ रहा। इसके लिए हमें यहाँ पे मोड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए चेंज मोड हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें एज ए क्या करना पड़ेगा, वाउचर आप कर सकते हो या अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हो। मैंने अकाउंटिंग किया तो नेम ऑफ आइटम आप देख सकते हो यहाँ पर, अब आ गया पर्टिकुलर्स, हम पर्टिकुलर्स में सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप को। और उसके बाद में यहाँ पर इंटर अमाउंट पूछा जा रहा है, और इंटर अमाउंट के अंदर हमें दे रहे हैं इंक्लूजिव ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी का विद जीएसटी अमाउंट आपकी कितनी बनती है। तो यानी कि इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है 53,100 रुपए की, तो ये 53,100 रुपए हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे हमने 53,100 लिखा, यहाँ पर इसकी टैक्स वैल्यू 45,000 रुपए ऑटोमेटिक आ गई, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनवॉइस के अंदर भी ये 45,000 रुपए की वैल्यू है। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो हमने जीएसटी की डिटेल डाली थी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स ये मेंशन करेंगे, तो टोटल अमाउंट हमारी 53,100 रुपए की वैल्यू आ जाएगी इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी 53,100 रुपए की अमाउंट आ रही है। एंटर प्रेस करते हैं, हम इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। अब ये हमने परचेज वाउचर की एंट्री कर दी, तो अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग, इस वाउचर के अकॉर्डिंग हमें जितना हमारा यहाँ पे टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में, इसका हमें क्लेम है जो मिलना चाहिए, यानी कि टोटल हमारा 8100 रुपए का टैक्स हमने पे किया था एस का और सी का, तो ये हमें आईटीसी के अंदर शो होना चाहिए। एक बार हम जीएसटी की रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए आप शॉर्टकट एल्ट जी और उसके बाद में जीएसटीआर, एक बार तो आप 3B चेक करेंगे हम, और जैसे हम 3B हमने चेक कर लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4,050 हमारा टैक्स आ रहा है। और इसके बाद हम वापस जीएसटीआर जो हमारी 2 है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं पार्टी वाइज इसके अंदर, हालांकि इसके अंदर जीएसटीआर 2A आपका जो रिकनसलेशन मांगेगा इसके अंदर, तो हम यहाँ पर इसकी डेट देंगे। B2B के अंदर इनवॉइस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ आपको डिटेल दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का जो स्टेटस है ये आपका भी जो है डाटा वो क्लियर नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था वो रिकनसलेशन का आ रहा था, यहाँ पे अभी तक ये कह रहा है भी अनरिको आ रहा है, ये रिकनसलेशन अभी हुआ नहीं है आपके जीएसटी पोर्टल के साथ में, लेकिन हमें देखना था भी ये B2B इनवॉइस के अंदर एड हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको जीएसटी 3B और जीएसटीआर 2 के अंदर आपको ये डाटा चेक कर लेना है, तो हमें ये इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमें आईटीसी है जो अभी मिल रहा है, ठीक है। और अब हमें ये तो एंट्री थी, अगर हमें आईटीसी क्लेम करना है, तो अगर हमें इसका आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम इस एंट्री को करते हैं डिलीट, हमने इस परचेज को एंट्री को हम कर देंगे डिलीट, और वापस हम क्या करेंगे इसी लेजर को मॉडिफाई करते हैं जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था लैपटॉप का, तो इसको हमें क्या करना है जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे, अब वापस हम चलते हैं वाउचर पे, परचेज वाउचर, पार्टी का नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लैपटॉप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अब इनवॉइस की जो जितनी वैल्यू थी यहाँ पे 53,100 रुपए की, तो ये 53,100 रुपए की, एंटर। तो अब यहाँ पर 53,100, और अब यहाँ पर अगर हम इसका सीजीएसटी टैक्स लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस पर जीएसटी हटा दिया। एंटर प्रेस करेंगे, इस वाउचर को सेव करेंगे, तो वापस हम जीएसटी 3B को एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ देखो अब इसके अंदर आईटीसी के अंदर वो अमाउंट नहीं आ रही है, ठीक है। और बैलेंस शीट में अगर अपने जाके देखेंगे फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर इसकी लैपटॉप की 53,100 रुपए की अमाउंट है जो पूरी कंप्लीट आएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्विपमेंट जो आप अंडर फिक्स एसेट के अंदर लेना चाहते हो, तो विद जीएसटी एंट्री और विदाउट जीएसटी दोनों तरीका हमने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है उस एसेट के ऊपर, तो आप फिक्स्ड एसेट की एंट्री को आप जीएसटी के अंदर इन्वॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नॉन जीएसटी रखते हुए आप इसकी एंट्री भी कर सकते हो। नॉन जीएसटी की एंट्री आप डायरेक्ट हम जर्नल वाउचर के अंदर भी पास कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी।